अरे कितना मोटा और ताजा हिरन है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसे खा ही जाऊं। जंगल में एक हिरन रहता था, वह बहुत चुस्त और चालाक था। उसका शिकार जंगल में कोई भी जानवर नहीं कर पाता था। जैसे ही भेड़िया हिरन के पास आया, हिरन ने पीछे देखा और भेड़ियों को अपने सींग से मारना शुरू कर दिया। अरे बाप रे बाप, इस हिरन ने तो मेरी हड्डी पसली तोड़ दी, अब मैं क्या करूं? इस हार का बदला तो मैं लेकर रहूंगा, मैं हिरन को छोड़ूंगा नहीं, इसका शिकार तो मैं ही करूंगा। थोड़े ही दिन बाद उस जंगल में एक जंगली बकरा आ जाता है। अरे वाह, कितनी हरी हरी घास है, दिल कर रहा है कि मैं इसी जंगल में रह जाऊं, घास खा खा कर मैं ताकतवर हो जाऊंगा। थोड़ी ही देर में वहां हिरन आ जाता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आकर घास चरने की? अरे ये जंगल क्या तुम्हारा है? ये जंगल हम सभी का है, मेरा भी है, क्या तुम्हारा नाम लिख रखा है इस जंगल इसमें? तभी वहां पर हाथी आ जाता है। क्या बात है भाई, क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम? हिरन, ये जंगल सभी जानवर का है, अकेला तुम्हारा नहीं है। हिरन को बात समझ आ जाती है। हिरन और बकरा दोनों दोस्त बन जाते हैं और वह साथ साथ घूमते हैं। एक दिन हिरन जंगल में अकेला रह जाता है और वहीं भेड़िया आ जाता है। अरे हिरन, आज तो मैं तेरा शिकार करके रहूंगा, देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है। वह हिरन को झपट्टा मारता है और हिरन को मारने की कोशिश करता है। पीछे से बकरा भी आ जाता है और वह बकरा भी भेड़िए को जोरों से मारता है। भेड़िया बेचारा डर कर भाग जाता है। अरे इन सबको मैं अलग कैसे करूं? यही सोच रहा होता है, अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना मैं इन दोनों में फूट डालकर, इन दोनों की लड़ाई कराकर इनका फायदा उठाऊं। वह मौके का फायदा उठाकर बकरे के पास जाता है। अरे सुनो बकरे भाई, सुनो, मुझे पता चला है कि हिरन तुम्हारा शिकार करवाने की कोशिश कर रहा है शेर से, और तुम्हें मरवाने के चक्कर में है, ध्यान रखना। अभी जा भेड़िए, झूठ बोल रहा है तू, हम दोनों में फूट डलवाना चाहता है, भाग जा यहाँ से, मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा। मर्जी है तुम्हारी बकरे, मेरा तो बताने का फर्ज था, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। यह कहकर वह चला जाता है। फिर वह हिरन के पास पहुंचता है। अरे हिरन भाई, वो बकरा तो तुम्हें मरवाने के चक्कर में है, जरा सतर्क और ध्यान से रहना। दोनों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना भर जाती है और वह सोचने लगता है कि वाकई ही बकरा मुझे मरवाना चाहता है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो वह बकरे को बोलता है, अवे बकरे तू मुझे मरवाना चाहता है? अवे हिरन तू मरवाना चाहता है मुझे? मुझे पता चला है किसी से। ऐसी बातें करते करते दोनों में लड़ाई हो जाती है।
लड़ते लड़ते दोनों मर जाते हैं। यह सब लड़ाई भेड़िया देख रहा होता है। अरे आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा, यह खाना मेरा कई दिनों तक चलेगा। देखा मैंने कैसे इन दोनों में फूट डलवा कर इन लोगों को मरवा दिया। अब तो मैं पेट भर कर खाऊंगा और मोटा और ताकतवर हो जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के कहे कहाने पर नहीं आना चाहिए, जिससे हमारा स्वयं ही नुकसान होता है और दुश्मन का हमेशा फायदा होता है। आप लोगों को हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जो कि आपको सबसे पहले हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।